हेलो गाइज, आज किस वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप गाइज एक नॉर्मल से फोटो को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक स्टूडियो पिक में लाइक एन NSB पिक्चर्स। सो गाइज, अगर आप भी इस तरह की जो एडिट करना चाहते हो अपनी फोटोज पे, तो गाइज आपको इस वाले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो ओके गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड ऐड करना है, जो कि गाइज आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बट गाइज पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। सो गाइज आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सो यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइज जाना है आपको ड्रॉ टूल के अंदर, एंड यहाँ पे गाइज मॉडल को ऐड करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट्स पे, देन गाइज आपको फोटोज पे टैप करना है, एंड यहाँ से गाइज आपको अपना जो मॉडल है गाइज वो ऐड करना है। यहाँ पे गाइज मैंने मॉडल का बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज करके रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो गाइज आप मेरा ये वाला जो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे गाइज मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सिखाया है आप ऑटोमेटिक कैसे अपने पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो इरेज कर सकते हो। सो मॉडल को गाइज यहाँ पे अच्छी तरह से प्लेस करने के बाद गाइज आपको इसके पीछे एक सर्कल ड्रा करना है। सो उसके लिए गाइज आपको जाना है यहाँ पे लेयर्स वाले आइकॉन पे, यहाँ पे टैप करके गाइज आपको एक MPTL लेयर सेलेक्ट करके इसे प्लेस कर देना है मॉडल PNG के नीचे। फिर गाइज आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक कलर चूज़ करना है, तो उसके लिए गाइज आपको जाना है कलर्स वाले आइकॉन पे, एंड यहाँ पे टैप करना है। फिर गाइज आपको ये वाला जो सर्कल है गाइज आपको ले आना है यहाँ पे इस तरह से। सो इससे गाइज ये कलर चूज हो जाएगा, एंड आपको जाना है यहाँ पे शेप वाले आइकॉन पे, एंड यहाँ पे गाइज आपको ये सर्कल वाला जो शेप है गाइज ऐड करना है, एंड देन गाइज यहाँ पे फिल करके ओके कर देना है। इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे ड्रा कर देना है ये सर्कल, एंड ड्रा करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतना आसम लुक आ चुका है। लेकिन गाइज अभी आपको इसमें एक शेडो क्रिएट करने है, तो उसके लिए गाइज आपको फिर से लेयर्स वाले आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे इस वाले आइकॉन पे टैप करके यहाँ पे एक MPTL लेयर सेलेक्ट करके इसे प्लेस कर देना है मॉडल PNG के नीचे। इसके लिए गाइज आपको एक कलर चूज़ करना है, तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, एंड यहाँ पे ले आना है। सो यहाँ पे ये कलर चूज़ हो जाएगा सिंपली। फिर गाइज आपको ब्रश वाले आइकॉन पे टैप करना है, एंड ब्रश की जो हार्डनेस है गाइज आपको बिल्कुल कम रखनी है, एंड ओपेसिटी जो है गाइज आपको रख देनी है यहाँ पे 40 पे, एंड साइज़ जो है गाइज आपको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे इसे 35 के आसपास। सो फाइन गाइज, अभी आपको अपनी इमेज को कर देना है जूम इस तरह से, एंड यहाँ पे गाइज आपको इस तरह से शेडो क्रिएट करनी है। सो इस तरह से गाइज आप यहाँ पे शेडो भी क्रिएट कर सकते हो। सो फाइन गाइज, ये करने के बाद गाइज अभी हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल रेडी है, लेकिन गाइज जस्ट हमें इसमें एक कलर ग्रेडिंग करनी है, जो कि गाइज हम करने वाले हैं Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पे मैं गाइज इसको सेव कर देता हूँ, एंड ओपन कर देता हूँ Lightroom एप्लीकेशन में। एंड गाइज Lightroom एप्लीकेशन में आने के बाद गाइज आपको जस्ट यहाँ पे कुछ स्टेप्स करने हैं, एंड आपके जो रिजल्ट है गाइज काफ़ी ऑसम देखने को मिल जाएंगे। सो उसके लिए गाइज आपको जाना है सबसे पहले सन टूल वाले आइकॉन पे, एंड यहाँ पे गाइज आपको हाईलाइट्स को थोड़ा बहुत लिटिल बिट बढ़ा देना है, एंड शेडोज़ को इस तरह से कम करना है। फिर गाइज आपको वाइट्स को इस तरह से बढ़ा देना है, एंड ब्लैक्स को गाइज यहाँ पे रखना है इस तरह से 6 पे। नेक्स्ट गाइज आपका जो काम है गाइज कंट्रास्ट को गाइज थोड़ा बहुत हम कम ही कर देते हैं, एंड यहाँ पे गाइज आपको जाना है इस वाले आइकॉन पे, एंड यहाँ पे गाइज आपको टिंट को कुछ इस तरह से ले आना है, एंड गाइज इससे गाइज काफ़ी अच्छा ट्यून आ जाएगा आपकी इमेज में। एंड यहाँ पे गाइज आप विब्रेंस को भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट गाइज आपको इस वाले आइकॉन पे टैप करना है, एंड यहाँ पे गाइज आपको ये वाला जो कलर है सिलेक्ट करना है, एंड इसके सेचुरेशन आपको बढ़ा देनी है, एंड ल्यूमिनेंस भी बढ़ा देनी है। यहाँ पे गाइज आपको क्लोथ और फेस का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए गाइज आपको जाना है इस वाले आइकॉन पे, एंड सेचुरेशन जो है इसकी बढ़ा देनी है, एंड यहाँ पे गाइज हम ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा सकते हैं। इससे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज कितना ऑसम लुक आ चुका है। एंड लास्ट में गाइज आपको यहाँ पे अनले एक स्टेप करना है, तो गाइज आपको इस वाले आइकॉन पे जाना है, विनेट को थोड़ा बहुत कम करना है, फिर इस वाले आइकॉन पे जाना है, एंड यहाँ पे गाइज आपको इसकी जो शार्पनिंग है गाइज वो बढ़ा देनी है, एंड आपके जो रिजल्ट है गाइज काफ़ी ऑसम देखने को मिल जाएंगे। सो ओके गाइज, इस तरह से आप ये वाला जो कंसेप्ट है अपने फोटोज पे क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइज आपने इस वीडियो को लाइक एंड गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो। सो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक अमेजिंग वीडियो के साथ। सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।